बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गर्म और खुश्क मौसम जो है ना, क्लाइमेट चेंज के नतीजे में काफी टेम्परेचर हाई होने वाला है, खासतौर पर 5 से 10 सितंबर के दौरान। तो कपास पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? याद रखें कि ये तकरीबन हफ्ता जो है ना, काफी ज्यादा गर्म टेम्परेचर 42-43 तक जाने का अम्कान मौजूद है। तो इतना गर्म और खुश्क मौसम जो है ना, ये कई फसलों के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन कपास को इसका फायदा ज्यादा होगा और नुकसान का जो अम्कान है ना, वो कम है। नुकसान तो ये हो सकता है कि सफेद मक्खी और तेले का मजीद हमला हो सकता है, स्प्रे का खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन फायदा ये होगा कि कपास की जो है ना, पकाई का अमल, खिलाई का अमल, ये बड़ो शानदार तरीके से होगा। फायदे के अमल को यकीनी बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपाशी जो है ना, वो एक आध आपाशी जो है ना, वो ज्यादा करनी पड़ सकती है, यानी इजाफी आपाशी का इंतजाम करें तो कपास की पैदावार में इजाफा हो जाएगा।